2023 में होने वाले आगामी चुनाव ही 2024 की दशा और दिशा तय करेंगे। इस साल तेलंगाना में भी चुनाव है। बीजेपी अपने लिए 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से तेलंगाना में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। बीजेपी के सभी शीर्ष नेता भी इसी संभावना को मूर्त रूप देने के लिए मैराथन रैली कर रहे हैं। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सभी भाजपा को तेलंगाना में संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, जिसकी वजह से बड़े मियां ओवैसी से लेकर केसीआर सब परेशान हैं। केसीआर जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने तेलंगाना में ही केसीआर को अपने सियासी दाव पेच से फंसा दिया है। पीएम बनने का सपना देख रहे केसीआर को बीजेपी के इस दाव से तेलंगाना में अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने पासा फेंक दिया है। अमित शाह ने एक और ऐसी चुनावी घोषणा कर दी है जिसके बाद ओवैसी को लेकर केसीआर तक आपके होश उड़ गए हैं। क्या बोले शाह और कैसे बीजेपी ने तेलंगाना में चल दिया बड़ा चुनावी दाव, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में सरकार बनेगी तो इस गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC ST और OBC का है जो उनको मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में ये बड़ा ऐलान किया। तेलंगाना में आने वाले विधानसभा चुनाव से इसे बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में अपनी चुनावी रैली के दौरान क्या कहा। अमित शाह ने तेलंगाना में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मजलिस आपके लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। 2-बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारे बातें की। मैं यह कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त करेंगे। SC ST और OBC को अपना अधिकार मिलेगा। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण को KCR के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। दरअसल KCR की पार्टी मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाकर 12% करने की कोशिश कर रही है। भारतीय राष्ट्र समिति के घोषणा पत्र में भी इसका दावा किया गया था, हालांकि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब बीजेपी ने इसी मुद्दे को पलट दिया और मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कर KCR के नहले पर तहला मार दिया। ऐसे में OBC और बाकी की जातियों को अपने पाले में लाना बीजेपी के लिए तेलंगाना में जीत की चाबी बन सकता है। आपको बता दें कि तेलंगाना में दलितों की संख्या मुसलमानों और अल्पसंख्यकों से ज्यादा है। दलित वोट राज्य में करीब 17% है। ऐसे में बीजेपी का ये ऐलान KCR की पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।